प्रयागराज से प्रतापगढ़ रेल मार्ग पर एक व्यक्ति सोता हुआ नजर आया। लोको पायलट की समय रहते उस पर नजर पड़ गई। ये शख्स इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे ट्रेन के इंजन की आवाज तक नहीं सुनाई दी। भाई अब नींद आए तो थका हारा इंसान कहीं भी सो सकता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी इस बात पर पूरी तरह विश्वास करने लगेंगे। वीडियो में एक शख्स रेलवे लाइन की पटरी पर लेटकर ऊपर से छाता लगाकर अपने हाथ को बगल में गर्दन के नीचे तकिया की तरह दबाकर चैन की नींद लेता दिखाई दे रहा है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि अगर अचानक से ट्रेन आ जाए तो जान कैसे बचेगी। अरे बचेगी भी या नहीं, वो तो भला हो ट्रेन ड्राइवर का, उसने समय रहते व्यक्ति को पटरी पर लेटा हुआ देख लिया, नहीं तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है और इसे शेयर कर यूजर्स खूब मजे भी ले रहे हैं। साथ ही कई लोग तो ट्रेन ड्राइवर की सराहना करते भी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर लिखता है, इसे कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। तो दूसरा यूजर लिखता है, लोको पायलट ध्यान नहीं देता तो बंदा उठता नहीं उठ जाता। तो एक और ने कमेंट कर डाला कि खतरों के खिलाड़ी का विजेता घोषित कर दो चाचा को। साथ ही एक ने तो रेल मंत्री पर ही मौज ले ली कि रेल मंत्री को रील बनाता देखकर रेल का ड्राइवर भी रील बनाने लगा। इसके अलावा एक यूजर ने तो चाचा के स्टाइल पर ही कमेंट कर डाला और लिखा, ई इलाहाबाद है गुरु, यहाँ चाचा का अलग ही स्वैग है, चाचा की नींद के आगे ट्रेन को भी नतमस्तक होना पड़ गया। बता दें कि ये मामला प्रयागराज के मऊ आयमा होते हुए प्रतापगढ़ जाने वाले रेलवे ट्रैक का है। बीते 21 अगस्त को एक ट्रेन प्रयागराज से रवाना हुई। जब वो मऊ आयमा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजरते हुए फ्लाईओवर ब्रिज पर पहुंची, तो आगे का नजारा देखकर ड्राइवर हैरान रह गया। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पटरी पर हरे रंग की शर्ट पहनकर चैन से सो रहा था। बारिश और धूप से बचने के लिए उसने बाकायदा काले रंग की छतरी भी लगा रखी थी। ड्राइवर तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतरा और व्यक्ति को गहरी नींद से जगाया। शख्स इतनी गहरी नींद में था कि उसे ट्रेन की आवाज तक नहीं सुनाई पड़ी। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वैसे पिछले कुछ दिनों में यूपी रेल हादसों की वजह से जबरदस्त चर्चा में रहा है। कल ही बिजनौर में किसान एक्सप्रेस दो भाग में बट गई। ट्रेन का इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया, वहीं इसके 8 डिब्बे पीछे छूट गए। ये गाड़ी झारखंड के धनबाद से फिरोजपुर जा रही थी। हादसा रविवार सुबह 4 बजे मुरादाबाद के आगे सिहारा और धामपुर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। इस ट्रेन में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के कुछ छात्र भी थे, जिन्हें आनन फानन में बसों से या अन्य साधनों से भेजा गया। ऐसे में चलिए अब रेल की पटरी पर सोते हुए शख्स के वीडियो से कम सीरियस माहौल थोड़ा हल्का हुआ। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भयानक हादसा भी हो सकता था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।